महाराजगंज के ठूठीबारी से बड़ी खबर। यशोजी और स्वाट टीम के साथ ठूठीबारी और निचलौल पुलिस ने एक गैंगस्टर को गिरफ्तार कर चोरी की 5 बाइक बरामद किया है। पकड़ा गया अभियुक्त इन बाइकों को नेपाल में बेचने के फिराक में था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक सुमेंद्र मीणा ने तथागत सभागार में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि अवैध तस्करी वाहन चोरों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में शनिवार को ठूठीबारी तथा निचलौल पुलिस गश्त पर थी। इसी बीच सूचना पर यशोजी और स्वाट टीम के साथ ठूठीबारी और निचलौल पुलिस ने खसरहा फार्म चौराहावत ग्राम चटिया टोला लालपुर में आधी रात 12:15 में एक संदिग्ध व्यक्ति को चोरी की एक बाइक के साथ पकड़ा। उसने अपना नाम पता जितेंद्र साहनी पुत्र तूफानी उर्फ लाठी निवासी ग्राम चैनपुर थाना कोठीवा जनपद महाराजगंज बताया। कड़ाई से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर गन्ने के खेत में छिपा कर रखी गई 4 अन्य बाइक भी बरामद की गई। जांच पड़ताल की गई तो मामला सामने आया कि अभी चोरी की बाइक को नेपाल में एक कबाड़ी को बेचता है। इस संबंध में नेपाल प्रशासन से सहयोग लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी के पास से बाइक बिक्री के 500 के 32 नोट, कुल 16,000 रुपये, स्मार्टफोन व एक अदद की पैड मोबाइल तथा एक लोहे का एलनुमा मास्टर चाबी भी मिली। देखा खास रिपोर्ट। केसरहा फार्म दीवारी के पास से जितेंद्र साहनी नामक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक 24 की साइकिल बरामद हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 4 अन्य मोटरसाइकिलें गन्ने के खेत में छिपा रखी है। उससे आधार पर हमारी टीम वहाँ भेजी गई और वहाँ से 4 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। इससे कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। इस पर चोरी व अन्य अभियोग के पूर्व में लगभग 10 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। गैंगस्टर भी इसका हुआ था। अब पुनः निरोधात्मक कार्रवाई अभी अमल में लाई जाएगी और पूछताछ में जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में उनको सभी को सम्मिलित करते हुए अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी अधिकतम कार्रवाई की जाएगी। सर, वो चोरी का मोटरसाइकिल कहाँ बेचता था, क्या कुछ इस सिंडिकेट का पता चला है अभी तक जांच में? जैसा इसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि नेपाल जाकर बेचता था। एक वहाँ पर कबाड़ी की दुकान थी, वहाँ जाकर उसको ये सप्लाई कर देते थे। नेपाल पुलिस से इसमें सहयोग मांगा गया है और उन पर भी कार्रवाई करने का हम प्रयास कर रहे हैं और बरामद में सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई आपराधिक इतिहास बनाया जितन साहनी का आपराधिक इतिहास है। इस पर कुल 10 मुकदमे पंजीकृत हो गए हैं। अभी जो तत्काल मुकदमे पंजीकृत हो रहे हैं उसमें भी निरोधात्मक कार्रवाई और इसमें आगे है। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।